हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विशु ब्लॉग में। तो आज हम आए अपनी एक्सेल के नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नई वीडियो के साथ आज हम आए हैं। इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट टाइप की मतलब सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर वीडियो में मैं जो वेबसाइट है, जो मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग करी है या वेबसाइट जो बनाई है मैंने, उसके ऊपर पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। पर लेकिन इस वीडियो में फिलहाल वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपके पास अगर प्रोडक्ट हैं अप्रोक्सीमेट 100, 200, 400, 1000 हैं तो आपका आराम से, इसलिए आप नॉर्मली जो इसका बेस होता है वूकॉमर्स वाला, नॉर्मली जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, इसके थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। पर लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट हो 10,000, 20,000, 50,000 या 1,00,000 से ऊपर प्रोडक्ट हो, फिर उनको उसको जो है डायरेक्टली वूकॉमर्स के प्लगिंग के थ्रू अगर हम यूज़ करते हैं या उसको जो मैनेज करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप नॉर्मली 20,000 प्रोडक्ट भी अपलोड करते हो तो उसमें कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो वो काफ़ी हैडक वाला काम होता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक है, और वो भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है और एक फ्री प्लगइन के थ्रू है। तो वही इसी टॉपिक पर आज हम एक वीडियो बनाएंगे। इससे पहले गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को गाइस जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पेज है विशु ब्लॉग के नाम से, इंस्टाग्राम आईडी हमारी विशु अंडरस्कोर ब्लॉग के नाम से, और ट्विटर आईडी जो है @VISHU5087-2546 हमारा ट्विटर आईडी है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.vishublog.com। वेबसाइट पर हमारे इससे पहले जितने भी ब्लॉग्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस फाइल भी मिल जाएगी गाइस। और हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, विशु ब्लॉग के नाम से है। यूट्यूब पे जैसे ही आप सर्च करेंगे विशु ब्लॉग, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल दिख जाएगा और हमारी वीडियोस भी दिख जाएंगी। ठीक है गाइस, तो गाइस इसी टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाएंगे। प्लगइन हम एक इसके लिए इंस्टॉल करेंगे, फ्री प्लगइन है। मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, ये मैंने कहाँ पे यूज़ करा है। ये मेरी बुक्स की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में फिलहाल अभी अप्रोक्सीमेट 1,00,000 अप्रोक्सीमेट बुक्स हैं, 99,000 को समथिंग बुक्स अपलोड हैं। टोटल मैं बुक्स इसके अंदर 15 लाख करूँगा, जी हाँ 15 लाख बुक्स अपलोड करूँगा। पहले भी अपलोड थी, फिलहाल मैंने कुछ डेटाबेस में चेंजेस करी हैं, इसलिए मैं अभी धीरे धीरे उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इतने सारे प्रोडक्ट को एक साथ मैनेज करना। ठीक है गाइस, पहले मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ मेरी 6 कैटेगरी हैं जो कि काफ़ी अच्छी सेल होती है, उसके बारे में लिखा है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, और बेनिफिट्स हो गए हमारे यहाँ पर शॉपिंग करने के। उसके बाद मैंने एक स्लाइडर लगाया है प्रोडक्ट का, जिसमें नए प्रोडक्ट अपलोड्स हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा फिर मैंने बेस्ट सेलिंग बुक्स, मेरी जो सेल होती हैं अभी जो रिसेंटली में सेल हो रही है, वो सारी अपलोडेड है यहाँ पे। उसके बाद डील ऑफ द वीक, जो अभी रिसेंटली डील चल रही है हमारी वीक की, ये सारी वो बुक्स हैं। उसके बाद हमारे बेनिफिट्स, हमारी सारी के सारी कैटेगरी, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हमारा कुछ टर्म एंड कंडीशन है, 14 डेज की रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट आपका, और रिफंड की पॉलिसी हमारी, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। फ्री सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा आपको हर परचेज पे, 50 रुपीज ऑफ मिलेगा आपको पहले ऑर्डर पे। ठीक है गाइस, कुछ टर्म एंड कंडीशन है अप्लाई। ये हमारी सारी के सारी कैटेगरीज हैं, जो भी बुक्स की अभी कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास अभी 50 मिलियन से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है। ये हमारा फोटर एडिट हो गया, आप देख सकते हैं, ये एड्रेस हो गया, हमारी हेल्प्स हो गई, या फिर हमारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे इसके अंदर है। इसके अलावा मैंने कैटेगरीज कुछ ऐसा, ये हमारी दूसरी वेबसाइट भी है, बी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ विशु ब्लॉग, ये देखिए गाइस। तो बेसिकली इस वेबसाइट में अभी अप्रोक्सीमेट 99,000 समथिंग प्रोडक्ट अपलोड हैं। मैं आपको एक बार काउंट दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, 99,537, जो कि फ्री प्लगइन है। इस प्लगइन का पेड वर्जन भी अवेलेबल है, पर लेकिन मेरे हिसाब से फ्री प्लगइन जो है वो गुड है, वेल एंड गुड है, मतलब आपके काम के हिसाब से वो प्लगइन में कोई इशू नहीं है। ठीक है ना गाइस, तो चलिए प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं पहले। आई होप हर किसी को प्लगइन इंस्टॉल करना आता होगा, नहीं आता तो बता देता हूँ आपको, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होगा। इससे पहले आपके पास वूकॉमर्स होना जरूरी होना चाहिए। मेरे पास वूकॉमर्स अपडेटेड है, ये वूकॉमर्स का एक तरीके का प्लगइन है। ठीक है गाइस, तो आपको बेसिकली लिखना क्या होगा, प्लगइन का नाम है प्रोडक्ट सीएसवी इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
सीएसवी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय वेब टॉपी। आप इतना भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, काफ़ी अच्छा प्लगइन है। आप देख सकते हैं गाइस 70,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन अभी इस प्लगइन की है, ये देख लीजिएगा। वेब टॉफी के नाम से प्लगइन होगा, यहाँ पर आके आप इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एक्टिवेट है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, ठीक है गाइस। ये करने के बाद आप अपने प्लगइन सेक्शन में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं ये प्लगइन आपको एक्टिवेट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी फाइल कैसे अपडेट होगी। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको दिखाने के लिए अप्रोक्सीमेट आप ये देख सकते हैं 60,000 टोटल रो है, यानी टोटल 59,000 बुक्स का ही डेटा है, एक इसमें हेडिंग होगी ना इसलिए। तो ये 59,000 जो है बुक्स अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से तो आधे से पौना घंटा लेगा, यानी कि 30 to 45 मिनट्स लेगा इसको अपलोड होने में। कॉलम डाले हैं, एक एसकी हो गया मेरा और इसका स्टॉक हो गया, रेगुलर प्राइस हो गया मेरा, और इसका फिर सेलिंग प्राइस जो कि मैं सेलिंग डाल रहा हूँ इस बुक्स का। बुक्स का एक ISBN नंबर होता है, बुक के बैक के पीछे ना यूनिक कोड होता है, ये जो होता है बुक के ISBN नंबर, तो इसी के थ्रू मैंने जो है मतलब ये मेरा यूनिक कोड है और ये इसको अपडेट करेगा, ठीक है गाइस। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ, ये फाइल को करते हैं क्लोज। अब ध्यान से देखिएगा गाइस मैं फाइल को अपलोड कैसे कर रहा हूँ। आप जाएंगे पहले प्रोडक्ट में, जैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे वैसे यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद आपको ये लिखा आ जाएगा, प्रोडक्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस तरह प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में अप्रोक्स ठीक है गाइस, तो हमें इम्पोर्ट करना है तो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। चूज फाइल, ये फाइल हमने अपलोड कर दी है। जैसे ये फाइल यहाँ पे डाल कर देंगे ये लिखाएगा अपडेट प्रोडक्ट इफ एक्सिस्ट, अगर आपका प्रोडक्ट इसके अंदर ऑलरेडी है तो उसको अपडेट करना है तो आपको इस पर टिक करना होगा, अगर नहीं है तो आप इसमें नए प्रोडक्ट आप इसमें ऐड कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आप नए प्रोडक्ट भी ऐड कर रहे हैं तो इसको अनटिक कर दीजिएगा, तो मैं टिक कर रहा हूँ तो इसको कर देता हूँ मैं। फिर बेसिकली इसको ऐसे जानने की कोई इसमें चेंजेस नहीं करना है आपको, फिर इस पर आप क्लिक कर देंगे प्रोसेस टू इम्पोर्ट। जैसे ही आप इम्पोर्ट कर देंगे गाइस तो ये सेकेंड वाली शीट आपके पास आ जाएगी, इसके अंदर आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, ये सब कुछ आएगा। पर बेसिकली मेरे को जो जो अपडेट करना है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जैसे कि मेरे को एसक्यू की जगह एसक्यू लगाना है, उसके बाद मेरा अगला था स्टॉक, तो प्रोडक्ट का स्टॉक हम देख लेते हैं एक बार कहाँ पर है, ठीक है इसमें नहीं आ रहा तो एक बार कर लेते हैं ये रहा इन्वेंट्री स्टॉक, तो मेरा स्टॉक वाला कॉलम था ये, उसके बाद था मेरा रेगुलर प्राइस, ये हम रेगुलर प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस तो ये सेलिंग प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जो एडिशनल फील्ड है ये जो फील्ड्स आप देख रहे हैं ना इसमें अगर आप चाहें तो ऐसे कि कोई वैल्यू है तो वैल्यू, जैसे कि सपोज ये वैल्यू है, मैं इस वैल्यू में चाहता हूँ कि प्लस 5 हो जाए तो डायरेक्टली प्लस 5 हो जाएगा हर उसमें स्टॉक में, ठीक है ना। तो इसको हम एडिशनल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक्यूरेटली मेरे डेटा के हिसाब से लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये सारी के सारी फील्ड्स अपने फाइल के अनुसार या फिर अपने फाइल के हिसाब से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरी जो एक्यूरेट फील्ड्स हैं वो एसक्यू है, नेम है, पब्लिश्ड है, जो मैं इस प्लगइन के थ्रू अपलोड करता हूँ। एसक्यू, नेम, पब्लिश, इस फीचर्ड है तो फीचर्ड, विजिबल इन कैटलॉग, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट क्लास क्या है, इन स्टॉक है या नहीं, स्टॉक क्या है, रेगुलर प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, कैटेगरीज भी इससे अपलोड कर सकते हैं आप, इमेजेस और इमेजेस भी गाइस इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। कस्टमर अगर कोई रिव्यू करना चाहते तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गई और वेट भी आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे सेक्शन आपको इसके अंदर दिख जाएंगे, मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ आपको। वेट के अंदर भी आप लेंथ विथ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से भी कर सकते हैं, अपसेल आईडी है या कोई दूसरी आईडी है, प्रोडक्ट टैक्स हो गए, ब्रांड हो गए, विजिबिलिटी हो गई, ये सब आप इसके अंदर गाइस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स का जो ब्रांड हो गया, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये होने के बाद हम सिंपल सा कर देंगे स्टार्ट इंपोर्ट। जैसे आप स्टार्ट इंपोर्ट पर कर देंगे ये देखिए गाइस कुछ ही सेकंड के अंदर फटाफट अपलोड होता जा रहा है, कितनी जल्दी प्रोसेस मतलब कम्प्लीट हो रहा है और दिखा भी आ रहा है कि प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली।
99 हो गए, 109 हो गए, धीरे 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 करके ये अपलोड हो जाएगा। इस फाइल में मैंने अप्रोक्सीमेट अभी तक जो करे हैं वो समथिंग 1,89,000 कुछ अपलोड करे हैं, मतलब डेटा अपलोड करा है मैंने। तो मुझे उस डेटा को अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 घंटे के अंदर, यानी कि 2 आवर्स के अंदर अप्रोक्सीमेट मेरा जो है डेटा अपलोड हो गया था। वो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे। मेरी इंटरनेट की स्पीड फिलहाल अभी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मैंने वाईफाई के थ्रू लगाई हुई है, लैंड केबल नहीं लगाई हुई। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस स्पीड से मेरा जो है डेटा भी अपलोड हो रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका हाई स्पीड का इंटरनेट हो, नॉर्मल इंटरनेट भी होगा तो भी आपका डेटा जो है सही अपलोड होगा, सही स्पीड में होगा। आप देख सकते हैं गाइस, मेरे ख्याल से 5 Mbps 4 Mbps की डाउनलोड की स्पीड आएगी, और अपलोड की जो स्पीड आएगी वो अप्रोक्सीमेट 5-7 Mbps की स्पीड आएगी। क्योंकि मैंने अभी लैन केबल नहीं लगाई हुई लैपटॉप में, मैंने जो है फिलहाल अभी वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मोर देन 4 MB, लेस देन 4 MB आ रहा है मेरे ख्याल से। तो ये देखिए 224, 222 डॉगी शोर मचा रहे हैं। तो 158 की ये 1.58 MBPS की स्पीड आ रही है। इस स्पीड से देखिए गाइस, मैं सिर्फ स्पीड ही चेक कर रहा था, और इतने में 900 आइस बिन जो है, जो 900 जो मेरे प्रोडक्ट है वो अपलोड भी हो चुके हैं। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट लगा होगा मेरे जो टोटल 1,000 प्रोडक्ट को अपलोड होने में, ठीक है ना गाइस। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका प्रोडक्ट का, जो कि बल्क जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं ना वूकॉमर्स के अंदर, वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से तो उसको प्रोडक्ट को अपलोड करने का। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत वीडियोस देखी, बहुत गूगल पर सर्च करा, पर एक सुटेबल वाला जैसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन वो मुझे नहीं मिली। पर लेकिन मैंने खुद ही फिर इस प्लगइन को यूज़ करा, इस प्लगइन को यूज़ करने के बाद फाइनली फिर मेरे को पता चला कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने खुद ही यूज़ करे, खुद ही मैंने एक्सपेरिमेंट करे, पहले मैंने 10,000 करे, फिर 20,000 करे, करने के बाद मैंने टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा है इस प्लगइन के साथ। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है, ये अभी अपने आप अपलोड होते रहेंगे, ठीक है ना। आप मुझे बताइएगा कैसे लगी आपको ये वीडियो, और कोई अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, या इसके अलावा कोई और सजेशन हो, या आपके पास कोई और अच्छा बेहतर प्लगइन हो तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है गाइस। और आप इसके अलावा कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी ये हमारी वेबसाइट है, कुछ बुक्स वुक्स परचेज़ करनी हो तो बता देना अपने भाई को, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है गाइस। कोई बुक्स की परचेज़ करनी हो, मेडिकल बुक्स में हम स्पेशली डिस्काउंट प्रोवाइड करवाते हैं, मेडिकल बुक्स हमारे स्पेशलिस्ट है वाला, जिसमें हम अच्छा डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपके जानकार में कोई हो जिसको बुक्स की रिक्वायरमेंट रहती हो रेगुलरली, तो प्लीज़ उनको सजेस्ट जरूर कीजिएगा हमारी वेबसाइट के बारे में। हमारी वेबसाइट है www.togetherbooksdistributor.com। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।